गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल फिफ्थ क्लास। आज आपका सब्जेक्ट है संस्कृत और आपकी बुक का नाम है बच्चों संस्कृत सागर भाग तीन। तो चलिए अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 38 ओपन करेंगे बच्चों। नवम पाठ है, पार्ट नो, सुभाषी तानी। इसमें बच्चों कुछ श्लोक दिए हुए हैं, उनका अर्थ आपको पढ़ाएंगे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। इन्होंने बताया बच्चों कि एक विद्यार्थी में ये पांच गुण होने चाहिए। कैसे? कि कोए की तरह जानने वाला और बगुले की तरह ध्यान लगाने वाला, कुत्ते की तरह नींद वाला और थोड़ा खाने वाला और घर को त्यागने वाला ही सच्चे अर्थों में विद्यार्थी होता है। आलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रमस्य कुतो सुखम। यानी आलसी को विद्या कहा और बिना विद्या के धन कहा, और बिना धन के कोई मित्र नहीं, और जिसका कोई मित्र नहीं उसे कोई सुख नहीं होता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि इच्छा करने से। जैसे कि सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण प्रवेश नहीं कर सकता है। गुणों भूषते रूपम, शीलम भूषते कुलम, सिद्धः भूषते विद्याम, दानम भूषते धनम। गुण से रूप की और आचरण से परिवार की शोभा बढ़ती है। सफलता से विद्या की और दान देने से धन की शोभा बढ़ती है। वाणी रसवती यस्य यस्य संवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवनम। जिसकी वाणी मधुर है, यानी जो मीठा बोलता है और जो परिश्रम करता है, जो धन का दान देता है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल होता है। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठित है, नो सोबते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। यानी जिसके माता पिता शत्रु होते हैं वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, और यानी बिना पढ़ा हुआ अशिक्षित व्यक्ति पढ़े हुए व्यक्तियों के बीच में वैसा ही होता है जैसे हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं देता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आप जो है अपने पाठ के शब्द और इन सभी श्लोकों की हिंदी जो मैंने पढ़ाई है अपनी कॉपी में करेंगे, और बाकी एक्सरसाइज वर्क आप अपनी बुक में फिल करेंगे। बच्चों जो आपको SW दिया गया है वो आप अपनी कॉपी में और बुक में दोनों में फिल करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।